हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमपीसीबी क्या होती है और किस लिए एमपीसीबी का यूज किया जाता है। तो आइए पहले जान लेते हैं एमपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो वैसे तो एमपीसीबी की फुल फॉर्म से ही ये पता लग जाता है कि एमपीसीबी का यूज किस लिए किया जाता है। एमपीसीबी एक एडवांस उपकरण है जिसे इलेक्ट्रिक मोटरों को विद्युत दोष और ओवरलोड से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एमपीसीबी शॉर्ट सर्किट केस लॉस और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करते हैं और इससे मोटर की लाइफ भी बढ़ती है। एमपीसीबी का प्रयोग मोटर के लोड के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, माना कोई मोटर 4 एम्पियर का लोड ले सकती है, तो यहाँ पर हमें उसी तरह की एमपीसीबी का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट 6 एम्पियर तक की हम एमपीसीबी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अब माना कि मोटर की लोड लेने की अक्षमता हाईएस्ट 4 एम्पियर तक है, तो यहाँ पर हमें एमपीसीबी की जो सेटिंग करनी है वो 4 एम्पियर से अधिक नहीं कर सकते। यदि अगर हम 4 एम्पियर से अधिक एमपीसीबी में लोड की सेटिंग कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी मोटर जाम हो जाएगी और हमारी मोटर फूक जाएगी। अगर हमारी मोटर 4 एम्पियर का हाईएस्ट लोड लेती है तो हमारी एमपीसीबी का यहाँ पर जो सेटिंग होनी चाहिए वो 3.5 ही होनी चाहिए, ताकि तो यहाँ पर होगा ये कि जब हमारी मोटर 3.5 एम्पियर से अधिक लोड लेने की कोशिश करेगी तो हमारी एमपीसीबी इस मोटर को बंद कर देगी यानी ट्रिप कर देगी। तो इस वजह से हमारी जो मोटर है वो सुरक्षित रह जाएगी और यहाँ पर हमें अपनी मोटर को चेक करने का और सही करने का मौका मिल जाएगा, ताकि हम अपनी मोटर को जलने या फूकने से बचा सकें। अब यहाँ पर कारण क्या हो सकता है, बैरिंग जाम होना भी एक कारण हो सकता है, और दूसरा अगर मोटर 3 फेस की है तो यहाँ पर 2 फेसिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई ट्रबल शूटिंग के हिसाब से हमें पॉइंट मिलता है तो हम उसको आपके सामने जरूर रखेंगे।